Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and laryngeal surgeon, expert in limb length, deformity correction and pain management. Ankylosing spondylitis ka ye part 3, same patient, unka complete treatment mein dikha raha hun kis tarike se ankylosing spondylitis se Mr. Sarinder pichle 6-7 saal se peedit the. चुके थे, कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था, हमारे पास आया, डायग्नोज भी नहीं हुआ था अभी तक, सिर्फ और सिर्फ डिस्क की समस्या से चल रहा था। हर जगह जाके 4-5 MRI कराई, सबने यही कहा कि कमर में आपको L4 L5 डिस्क की समस्या, उसकी वजह से है। बात इतनी बढ़ गई कि पूरा का पूरा स्टिफनेस गर्दन तक आ गया, मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, गर्दन की मूवमेंट्स नहीं है। तो हमने जब इनका टेस्टिंग करके देखा, उसके अंदर HLA-B27 पॉजिटिव। अब हम इसका, जिसको हम कहते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, उसका ट्रीटमेंट, वैसे सारे मेरी फर्स्ट वीडियो में जाओगे तो मैंने सारे डिस्क्राइब किया है। अब इनका पार्ट 3 पे आ गए। सबसे पहले हमने DSCB इंजेक्शंस लगाए इनको, DSCB कमर के लिए, गर्दन के लिए। इसके साथ में हम इनको मेडिकेशन, जो बहुत ही स्पेसिफाइड मेडिकेशन है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में चलती है, जैसे खुद मरीज ने बताया कि मैंने उनको समझाया है कि आगे में चल के जब सब कुछ कंट्रोल में आता है तो आपको हफ्ते में सिर्फ एक गोली खा के बिल्कुल फिट फाइन रहोगे। नंबर 3 जो है ट्रीटमेंट, वो है ऑटो हीमोथेरेपी, दैट इज कॉल्ड मेजर ओजोनाइज्ड ऑटो हीमोथेरेपी। इसमें हम पेशेंट का ब्लड लेंगे 50 ml, उसको ओजोनाइज करेंगे एंड रीट्रांसफ्यूज कर देंगे। इससे फायदा क्या होता है, ओजोन एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट गैस होती है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन को बढ़ाती है, हमारी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाती है, ये मॉलिकुलर लेवल पे जाके काम करती है। इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, AVM के पेशेंट्स के अंदर, उसके बाद हमारे पास एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स के अंदर, या फिर जनरल वेलबींग के लिए भी इसको लिया जा सकता है। बहुत सारे इन्फेक्शंस के अंदर ओजोन को यूज़ किया जाता है, और बाहर में तो इटली में, जर्मनी में लोग नॉर्मल अपनी वेलबींग के लिए, अपने स्किन इन्फेक्शंस के लिए, यंग रहने के लिए, अपनी एक्टिविटीज, मतलब अपने शरीर की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, हेल्दी फील करने के लिए भी इस सब चीज़ को लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस समय इसका इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अंदर, हाइपोथायरायडिज्म के केसेस के अंदर, नाउ वी आर गिविंग इट फॉर AVN केसेस के अंदर, एंड नाउ वी आर गिविंग फॉर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसमें मैं पहले भी कई सारे वीडियोज के अंदर अपना ऑटो हीमोथेरेपी हम लोग दिखा चुके हैं, हियर वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। एंड ऑटो हीमोथेरेपी लेकिन आपको हर बार नहीं लेनी है, वी यूजुअली गिव 3-4 सेटिंग्स, उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट होती है तब पेशेंट को दिया जा सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस के अंदर हम लोग कहते हैं कि आप सीजनली उसको ले लीजिए, जिस समय मौसम चेंज हो रहा है, ठंड का मौसम आ चुका है, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स रूमेटॉइड में फील होती है, तो उस समय में आप 2-3 सिटिंग्स ले सकते हैं, फिर एक सिटिंग लेके फिर 6 महीने बाद एक सिटिंग ले सकते हैं जब आप ऑन ट्रीटमेंट हैं। तो नाउ वी विल गो फॉर ऑटो हीमोथेरेपी। स्पेशलाइज सामान यूज होता है, दिस आर द वैक्यूम बॉटल्स। We have taken heparin, there are 3 lines. So these are the specialized bottles, इनको vacuum bottles बोलते हैं। यहाँ पे हमने specialized जो इसका only for hemotherapy के लिए transfusion set use करते हैं उसको इस्तेमाल किए हैं। मैंने इनको नीचे रखा था कि हमारे पास थोड़ा स्पीड से ब्लड आ जाए, तो दिस आर बिकॉज़ ऑफ वैक्यूम बॉटल्स। नाउ दिस ब्लड इज कमिंग, वी हैव टेकन 50 ml ऑफ ब्लड। नाउ आई विल इंजेक्ट, आई विल टेक ओजोन, इसमें मैंने ओजोन लिया और आई विल गो टिल द एंड, क्योंकि हमारे इसमें डिफ्यूजर्स नहीं है, इसलिए वी आर गोइंग विद द हेल्प ऑफ एपिडुरल। तो मैं बिल्कुल एंड में जाऊंगा। सो नाउ यू कैन सी द कलर ऑफ द ब्लड, ये बिल्कुल चेरी रेड कलर हो चुका है, जो ऊपर में थोड़ा वाइट बबल्स देख रहे हो, दीज आर ओजोन, कि जितनी ओजोन इसमें मिक्स होनी थी वो हो गई, बाकी सारी की सारी थोड़ी ऊपर की तरफ आ गई। नाउ वी आर ट्रांसफ्यूजिंग दिस ओजोनाइज्ड ब्लड, दिस इज कॉल्ड मेजर ऑटो हीमोथेरेपी। और इसके जैसे कि मैंने बताया कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसका मैकेनिज्म है, मेरी आने वाली वीडियोज को जरूर देखें, जिसमें हम ओजोन के ऊपर हम बता रहे हैं कि वट इज ओजोन, इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और इसका क्या क्या एडवांटेज है। इट्स ए मिरेकल मोलिक्यूल जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ये ऐसे हमें नेचर में नहीं मिल रहा होता, तो वी नीड टू जनरेट दिस। इसके लिए स्पेशल मशीन्स होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन जनरेटर, उसके माध्यम से इसको ओजोन जनरेट किया जाता है।
ओजोन के बहुत सारे इस्तेमाल है, जैसे एक इस्तेमाल हमने दिखाया ऑटो हीमोथेरेपी, इसमें भी मेजर और माइनर ऑटो हीमोथेरेपीज होती हैं जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथीज के अंदर, उसके एवियन के अंदर, रोमेटो आर्थराइटिस के अंदर, मल्टीपल इन्फेक्शन के अंदर, स्किन इन्फेक्शन के अंदर इनके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से जब हम इनको इंट्रा आर्टिकुलर लगाते हैं, तो जब भी हम नी ज्वाइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर इंट्रा आर्टिकुलर ओजोन्स लगाते हैं, वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। डीएससीबी ब्लॉक्स की इफेक्ट को ऑगमेंट करने के लिए भी इसको लगाया जाता है, जहाँ पे पोर्टल्स होते हैं वहाँ पे भी लगाया जाता है। मल्टीपल डायमेंशंस यूजेज हैं ओजोन थेरेपीज के, और ओजोन एक हाईली एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है। सो इस तरीके से जाके वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करता है और बॉडी के अंदर हमारे जो सेलुलर लेवल पे चेंजेस को लाता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस तक मतलब की ज़रूरत नहीं पड़ रही इन ऑटोहीमोथेरेपी के माध्यम से। तो ओजोन को आप अगर पढ़ेंगे भी, आप रिसर्च भी करेंगे, लॉट ऑफ आर्टिकल्स आर ऑन दैट जिसमें ओजोन थेरेपीज देखें, बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस के अंदर ओजोन थेरेपी को दिया जाता है। हमने यहाँ पे इनको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर दिया है, हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, एवियन, इन सारी कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज इन शॉर्ट अबाउट ऑटो हीमोथेरेपी इन एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आपको, आपके जानने वाले हों, आपके परिवार में किसी को भी इस प्रकार की समस्या है, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, एवियन है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप अगर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, लंबर डिस्क प्रॉब्लम है, शाटिका प्रॉब्लम है, मस्कुलोस्केलेटल पेन्स है, हेडेक्स है, इन सारी कंडीशंस के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। आगे में भी आपको ऐसे हेल्थ टिप्स मिलते हैं दोस्तों, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग से एक पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है, हो सकता है वो पेशेंट भी कहीं भटक रहा हो, उसको सही ट्रीटमेंट मिल जाए, तो अपनी लाइफ में एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करेगा। तो हमेशा उस वीडियो को शेयर करने के लिए आपको भी थैंकफुल रहेगा। थैंक यू।